अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। एटीएम स्कीमिंग नाम तो काफी डिफिकल्ट है और सुनने में आपको नया लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं सिंपल और आसान भाषा में बात करूं कि एटीएम में ठगी का शिकार होना, कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है और हम समझ बिल्कुल भी नहीं पाते हैं जब हम एटीएम के अंदर जाते हैं और पैसा निकाल के वापस आते हैं, तो होता ये है कि हमारे अकाउंट से कुछ ज्यादा पैसे बाद में डिडक्ट होते हैं या निकाले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। जब हम बैंक पे इनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पता ये चलता है कि हमारे एटीएम कार्ड से दोबारा ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर जब आप पैसा निकालने गए थे उस वक्त ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, उसके कुछ मिनट बाद आपका ट्रांजेक्शन हुआ है और आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद बैंक कुछ नहीं करता है, सिर्फ सांत्वना देने के अलावा कितना भी एप्लीकेशन लिख लो, कितना भी आप बैंक के मैनेजर को इन्फॉर्म करो और सारी चीजें प्रोसीजर करने के बाद इन द लास्ट ये होता है आपके पैसे वापस नहीं आते हैं और ठग आपको चूना लगा जाते हैं। तो क्या है एटीएम स्कीमिंग, किस तरीके से ये वर्क करता है और आपको कैसे सावधान रहना है, आइए इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठग क्या करते हैं, ठग यूज करते हैं एटीएम स्कैमिंग का फीचर, एक डिवाइस जो क्या करता है आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करता है, जिसको कहा जाता है स्कैमिंग डिवाइस। और ये करता क्या है, ये करता ये है कि आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करता है। कैसे करता है, जहां पे हम आपने देखा होगा कि जहां पे नंबर प्लेट होती है, जहां पे हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं, उसके ऊपर के साइड में इस डिवाइस को कहां पे कार्ड रीडर में फिट किया जाता है और वहां पे क्या होता है, उस कार्ड रीडर में सारी इंफॉर्मेशन फीड होने लगती है। जब आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे ये आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करता है, क्योंकि जब आप कार्ड जो इंसर्ट करते हैं वहां पे एक डिवाइस लगी होती है और जो मशीन में डिवाइस होती है उसके बाद भी एक ऊपर से डिवाइस होती है स्कैनिंग डिवाइस, जहां पे आप कार्ड ने इंसर्ट किया वहां पे उसको उसने रीड किया, उसके बाद क्या हुआ मेमोरी कार्ड में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपका नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट के ऊपर वो लगी होती है वहां पे वो रीड करता है। उसके बाद उसी ऊपर के साइड में क्या होता है, कैमरा छोटा सा लगा होता है जहां पे जब आप क्या करते हैं पासवर्ड को टाइप करते हैं, तो पासवर्ड टाइप करने के बाद वो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती रहती है। ये तो रही स्कीमिंग डिवाइस, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं ठग आपको शिकार बनाते हैं। अब बात ये आती है कि कैसे इससे बचें। जी हाँ, रूरल एरियाज में या फिर मैं कहूँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये चीज देखी जाती है, लोग जल्दबाजी में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, लेकिन वहां पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। बैंक की इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे ही आप गेट को पुल करते हैं और अंदर जाते हैं वहां पे लिखा रहता है कि जब भी आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तो अपने फिंगर्स को पासवर्ड के नीचे ऊपर रखें और पासवर्ड को टाइप करते वक्त अपने फिंगर को ऊपर रखें ताकि पासवर्ड दिखाई ना पड़े, अगर कोई डिवाइस उसके ऊपर लगी है तो वो उसको रिकॉर्ड ना कर पाए। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब आप अपने एटीएम से पैसे वापस निकाल रहे हैं तो आप देख लें कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, कैंसिल बटन को जरूर प्रेस करें कम से कम 3 बार, और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं। और जहां पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं, वहां पे आप देख लें जो ग्रीन सिग्नल जलने लगता है, इसका मतलब यह ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट, तभी बाहर आए। अगर इन केस कभी ऐसा आपके साथ होता है कि आपने कार्ड इंसर्ट किया, अपना एटीएम पिन डाला और जो अमाउंट आपने डाला था उसके बाद आप एटीएम से जो है पैसे वापस बाहर नहीं निकले, उस केस में आप वहां पे इंतजार करें। हो सकता है सर्वर स्लो हो, मीन जो इंटरनेट यूज किया जा रहा है वहां पे वो स्लो चल रहा है, या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। जब तक आपको एटीएम के मशीन पे कोई इंफॉर्मेशन न दिख जाए आप बाहर ना लौटें। और इस केस में जब आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे के साइड पे जरूर देख लें, ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा आपके इंतजार में खड़ा है कि जैसे ही पैसा नहीं निकला एटीएम से और अब आप बाहर आए और वो अंदर गया और आपके ही पिन के जरिए वो पैसा निकाल रहा है आपके अकाउंट से और आपको लग रहा है कि वो अपना पैसा निकाल रहा है। दूसरी चीज, जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं अगर आपके पीछे आके कोई ये बात कहता है एक्सक्यूज मी क्या आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से पिन टाइप करते हैं, किस तरीके से पैसा निकालते हैं, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और वो आपका कार्ड लेता है और इंसर्ट करता है।
कभी भी ऐसा ना करने ने, जो भी कोई अगर आपसे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगता है, आपका कार्ड मांगता है या कहता लाइए मैं हेल्प कर दूं, उससे बिल्कुल कहें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगा। अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते हैं तो आप अपने घर वालों को लेके जाएं ताकि वो पैसे निकाल सके, लेकिन किसी को भी इस तरीके से अलाउ मत करें पैसे निकालने के लिए एटीएम से, वो भी आपके बैंक से। तो दोस्तों स्कीमिंग से बचें, ये बहुत ही खतरनाक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ठगी हमने देखे हैं, ऑनलाइन ठगी देखे हैं, लेकिन ये एटीएम की ठगी है जहां पे स्कीमिंग के मदद से आपकी इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है, आपके पासवर्ड जो भी आप टाइप करते हैं वो कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड होता है, उसके बाद आपके पैसे उड़ जाते हैं आपके अकाउंट से। तो बिल्कुल ध्यान रखें जब भी एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं बवाल से, तो ये भी आप कर सकते हैं एज अ जुगाड़ के, अगर आपके पास दो अकाउंट हैं तो एक अकाउंट में जिससे आप पैसे निकाला करते हैं वहां पे उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करें जितना आपको पैसे की जरूरत है। सपोज करें आपको 2000 की जरूरत है महीने में, तो आप उस अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर करें और उसी एटीएम कार्ड का यूज करें जिसमें आपने 2000 ट्रांसफर किए हैं। जिस अकाउंट में आपके ज्यादा पैसे हैं उसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज ही मत करें, या यूज करें तो सिर्फ अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज करें, उसके अलावा आप एटीएम कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का उस अकाउंट का इस्तेमाल ही ना करें, तो आप कहीं ना कहीं से बच सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस मैंने बैंक से रिलेटेड बनाए हैं, स्कैम से रिलेटेड बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके मेरे उस सारी वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और फिर से एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि उन लोगों को पता चल सके जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं या जो एटीएम से पैसे निकालते हैं और बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, या फिर आप ठगी का शिकार हो चुके हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन अब देखने पे पता चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से आप ठगी का शिकार हुए थे, और अपनी राय जरूर दें ताकि मैं इस पे और भी वीडियोस बना सकूं।